जिसके घर का जवान बेटा चला गया, भविष्य का घर का बागडोर संभालने वाला वही था। डॉक्टर बनने की चाह 18 साल के आदर्श राज को कोटा ले गई थी। अचानक एक दिन उनकी मौत की खबर आई। हमको लगता है कि रिजल्ट कम, नंबर कम आने के चलते डिप्रेशन में इस तरह का कदम उठाया। ऐसा नेचर था नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे इंसान भी जब समय पड़ता है तो अपने पद से विचलित हो जाते हैं। लेकिन समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। परिवार सदमे में है। आदर्श के चाचा के मुताबिक परिवार ने कभी भी आदर्श पर कोई दबाव नहीं डाला, न उन्हें किसी परेशानी का एहसास हुआ। पढ़ने गए बच्चे की मौत की खबर परिवारों को झकझोर देती है और छोड़ जाती है कई सवाल। बाल्मीकि प्रसाद का परिवार उसके कोटा जाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बेटे के आगे एक नहीं चली। एक दिन जब बेटे ने घंटों फोन नहीं उठाया तो उनकी फिक्र बढ़ी और फिर बेटे की मौत का पता चला। नहीं सर, आत्महत्या नहीं किया, वो इतना अच्छा लड़का था, हम तो उसको विश्वास नहीं कभी आज तक उसने इतना 18 साल में एक बार भी गुस्सा नहीं किया था घर में, उसको कोई किया। पुलिस ने बाल्मीकि प्रसाद की मौत में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। बाल्मीकि और कई घरों में जिंदगी रुक सी गई है। कोटा में पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा छात्र जो कोचिंग लेने आए थे अपनी जान ले चुके हैं। इस साल आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्री पर निर्भर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था वाले कोटा में अभी करीब 2,00,000 छात्र हैं। टॉपर्स के इस शहर में माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर रहना, अकेलापन और नाकामयाबी के डर से लड़ना आसान नहीं। फिर कोचिंग के आंतरिक टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट। मिडिल क्लास किसान परिवार के विजय की समस्या थी फिजिक्स, माँ बाप की उम्मीदें और नीट में तीसरी बार परीक्षा में विफलता की आशंका का बढ़ता दबाव। फिर जब टेस्ट होता है अपने पड़ोसी के नंबर देखते कि उसके तो 650, 670, 580 ऐसे आ रहे और अपने तो 300, 400 ही आ रहे, तो अपना क्या होगा। फिर वही कंपैरिजन चालू, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सुसाइडल थॉट्स तब आने लग जाते हैं। समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर झिझक के बावजूद विजय ने परिवार के सहयोग से एक मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया और अब वो बहुत बेहतर हैं। लेकिन बैनर्स पर कामयाब चेहरों से पटे कोटा में ऐसे कई छात्र हैं जिन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाई। हम कोटा में ही थे जब खबर मिली कि हॉस्टल में रहने वाली एक और छात्रा ने अपनी जान ले ली है। पिता कोटा के रास्ते में थे जब फोन पर उनसे बात हुई। पढ़ाई के लेकर नहीं, वहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा उसने बोला था। मैं बोला था कि बेटा ये सब ध्यान मत देना, तुम ये सब चीजों पे तुम अपना पढ़ाई करो, और कुछ नहीं। बोला ठीक है पापा, जो बेटी है सर हमारी एक छोड़ के चली गई हमारे। आत्महत्याओं को रोकने के लिए शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन आत्महत्याएं जारी हैं। कई परेशान छात्र शहर की इस हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। कई बार तो बच्चे बहुत काफी परेशान होते हैं, कई बार तो बच्चे बात करते करते रोने लग जाते हैं, तो बहुत दुख होता है उनको देख के। पहले विश्वास में लेके उनके पेरेंट्स से बात करते हैं सर, हम उनको समझाते हैं कि भाई आप इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे पे, क्या चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने, अगर मान लो डॉक्टर नहीं बना रहा दुनिया में नहीं रहा तो आप क्या करेंगे इसी कंडीशन में।
लेकिन कोटा में लोगों की माने तो छात्रों और परिवारों में शहर का आकर्षण बरकरार है। तड़के सुबह कोटा की सड़कें कुछ ऐसी दिखती हैं। 12 से 14 घंटों की पढ़ाई के बाद कुछ घंटों की नींद, जल्द से किया गया ब्रेकफास्ट या फिर कभी खाली पेट भी, फिर कदम कोचिंग क्लासेस की ओर। कोटा के बारे में ये अच्छी, यहाँ मतलब बिहार से जिस लेवल की हमें एडुकेशन मिल रही थी उससे अच्छी एडुकेशन यहाँ मिल रही है, और यहाँ एक्चुअली स्टाफ मटेरियल काफ़ी अच्छा है एडुकेशन का। नीट है, वही जी एडवांस, IIT, जितने भी हो यहाँ पे सब फैसिलिटीज मिलती हैं आपके लिए। कोटा का ये विज्ञान नगर का इलाका है। अगर हम यहाँ पर किराए की बात करें तो यहाँ पर रहने का जो किराया है वो दूसरे इलाकों के मुकाबले काफ़ी कम है। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ये जानने की यहाँ पर जो मकान रूम्स में जो छात्र रहते हैं वो किन हालात में रहते हैं। बिहार के अर्णव अनुराग का सपना डॉक्टर बनने का है। उनके पिता शिक्षक हैं। अगले कई महीनों तक यही कमरा उनका घर है। अर्णव की साल भर की कोचिंग की फीस 1,20,000 रुपए है और महीने का खर्च 12,000 से 13,000 का है। वो यहाँ रहने का 8,500 रुपए देते हैं जिसमें कमरे, खाने और इस कूलर का खर्च शामिल है। घुटन सी होती है लेकिन अब मेहनत मुझे यही करना है। ये इस घुटन के बाद जब मेरे रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये मुझे याद करके मुझे लगेगा कि ये भी एक कमरा था, आऊँगा जब घूमने यहाँ, यहीं पे मैंने पढ़ाई किया, सब किया मैंने यहाँ पे, तो अच्छा भी लगेगा मुझे। कोटा में कई जिंदगियां थम गई, लोग दुखी हैं और इस साल आत्महत्या की बड़ी संख्या के लिए कोविड को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया, कुछ बच्चों ने उसका दुरुपयोग किया और इंटरनेट एडिक्शन हो गया, और उसकी वजह से बच्चे बैंक मारने लगे और उसकी वजह से पिछड़ने लगे। तो वो एक कारण है, जब पिछड़ जाते हैं फिर डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं सुसाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ कोचिंग बड़ी फास्ट चलती है, 1-2-4 दिन आपने ऐसे बंक मार दिया तो फिर उसको पकड़ नहीं पाते। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक ये छात्र ऐसी उम्र में कोटा आते हैं जब वक्त होता है उनके शारीरिक विकास का, मनोवैज्ञानिक विकास का, और वो ऐसे शहर में आते हैं जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। पैसा 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 पैसा, कितना पैसा कितना चाहिए सोच लीजिएगा, इतना पैसा नहीं चाहिए जिससे हम बच्चों को ही खो दें। कोचिंग क्लासेस में नंबर इज टू हाई, वो उनके बच्चों के नाम ही नहीं जानते कौन क्या है, छोड़ दीजिएगा, वो लंबी सी 3,000 बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं या 800 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या वो उनका नाम जानते हैं? कोई किसी का नाम नहीं जानता। बच्चा एक दूसरे को दोस्त बना पाता है, वो नहीं बना पाता। वो कहीं मेरा ही स्ट्रेटेजी ना इस्तेमाल करे और मुझसे आगे निकल गया तो मैं क्या करूँगा। द चाइल्ड इज लेफ्ट अलोन, इट इज़ सैड बट द चाइल्ड इज लेफ्ट अलोन। लेकिन बच्चों पर बढ़ते दबाव पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अपनी दलील है। तो मैं इस बात से डिनाय नहीं करूंगा कि क्लासेस की स्ट्रेंथ होती है बड़ी, 150 से 200। रियल समस्या ये है कि कंपटीशन की वजह से फीसेस बहुत कम है। टीचर्स बिकॉज ऑफ कोचिंग प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया है, यूनिट इकोनॉमिक्स ही नहीं बैठती है जो संस्थान चला रहा है उसकी, वो बैठ ही नहीं सकती है। ये रियल प्रॉब्लम है। तो फीस ही बहुत कम रियलाइज होती है, 70-80 हज़ार रुपये फीस रियलाइज हो रही है, GST मिला के 18% गवर्नमेंट ले जाती है। हमारे टाइम पे कोई शीटें नहीं मिलती थी, आज की तारीख में हमें सब किट देना पड़ता है। मतलब ये रियल दर्द है। मैं आपको बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है, मीडिया में दिखा रहा है कि कोटा माफिया है, बिजनेस है। आप बताइए, अगर बिजनेस होता कोटा में, पिछले 10 साल में 25 कोचिंगें बंद हो गई सर, चालू होकर 50-50 करोड़ का लॉस बुक करके, उनको अच्छा थोड़ी लगा होगा अगर ये इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस होता। इट्स अ हार्ड कोर टफ ऑन टोज शिक्षण संस्थाएं, इट इज नॉट दैट इजी। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज वो दर्द मैंने व्यक्तिगत झेला है। रही बात टेस्ट में बच्चे के स्ट्रेस आने की, जैसी बात है बच्चे के अगर कम नंबर आते हैं तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स भी देते हैं इसमें कोई, पर ये देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है तो ये आएगा, वी कैनॉट स्टॉप इट। या तो गवर्नमेंट एग्जाम ही बंद कर दे तो टॉप कॉलेज में टॉप में एडमिशन कैसे होंगे? मतलब हम उस प्रक्रिया को बंद नहीं कर सकते ना जो रियलिटी में है। 10 लाख बच्चे, 16 लाख बच्चे, 18 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो कुछ ही निकलेंगे। नितिन विजय के मुताबिक मोशन में अभी तक आत्महत्या की कोई घटना नहीं घटी है और समस्या से निपटने के लिए फन एक्टिविटी करवाना, कोर्सेज को छोटा रखने, काउंसलिंग, छात्रों की अटेंडेंस को मॉनिटर करना जैसे कदम उठाए गए हैं।
मतलब बेसिकली हम कहीं पर प्लान होके नहीं जाते, वी रैंडमली विल गो टू सम मेस, विल आस्क द गाइज हु आर वर्किंग देयर कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें कोई बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हो, जो ढंग से खाना नहीं खा रहा। जैसे ही हमें मालूम पड़ता है तो बच्चा हमारे रडार पे है, हम उसकी मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। इमीडिएटली वी टॉक टू द हॉस्टल वार्डन, जो हॉस्टल वार्डन है नंबर वन। सेकेंडली उसके पेरेंट्स से भी हम टच में आएंगे, बट बिफोर वी टॉक टू हिज पेरेंट्स हम उस बच्चे से फिर बात करते हैं। कोटा में रह रहे कई छात्र यहाँ की आबोहवा में ढल जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। माँ बाप को बच्चे को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये एक मात्र फील्ड नहीं है, अगर आपका यहाँ नहीं हुआ तो कोई और फील्ड में होगा। माँ बाप ज़्यादातर डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है। लालच मत करो, आप ये सोचो कि आपका बच्चा ज़्यादा जरूरी है कि पैसे जरूरी। छात्रों के अकेलेपन को दूर करने, उन्हें घर का खाना और माहौल देने के लिए कई बच्चों की माँ उनके साथ यहाँ रहती हैं। जानकारों के मुताबिक जरूरी है कि माँ बाप बच्चों के मन को कुरेदें, उनसे बात करें, उनके साथ लंबा वक्त बिताएं, ताकि ये बच्चे खुलकर समझा सकें कि उनके मन में क्या चल रहा है। शाद मिधत के साथ विनीत खरे, BBC कोटा।